अब आइडियल गैस या परफेक्ट गैस के लिए कुछ प्रॉपर्टीज डिसाइडेड है, ठीक है, जिसे हम कहते हैं थ्योरी ऑफ आइडियल गैस। और ये थ्योरी ऑफ आइडियल गैस मेनली डिपेंडेंट है गैस के मॉलिक्यूल्स के मूवमेंट पर, मूवमेंट उनका कैसे होता है, और जहां मूवमेंट है किसी पार्टिकल में वहां क्या है, काइनेटिक एनर्जी है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड काइनेटिक थ्योरी ऑफ आइडियल गैस। हेडिंग डालते हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ आइडियल गैस। तो इस आइडियल गैस में क्या होना चाहिए, इसकी पहली प्रॉपर्टी क्या है आइडियल गैस की, पहली प्रॉपर्टी है, पहली क्वालिटी क्या है आइडियल गैस की, कि आइडियल गैस छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी है, जिसे हम कहेंगे मॉलिक्यूल, या नोबल गैसेस के इन पार्टिकल्स को क्या कहा जाता है, एटम। केवल नोबल गैसेस हैं जो एटमिक स्ट्रक्चर में है, बाकी सारी गैसेस मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में। एटम और मॉलिक्यूल के बीच का डिफरेंस शायद आप समझते हो। इट कंसिस्ट ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड मॉलिक्यूल्स। याद रखिएगा, एटम से कंसिस्ट नहीं है कोई भी, मॉलिक्यूल से ही कंसिस्ट है। गैसेस कंसिस्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स, नॉट एटम्स। तो फिर हीलियम वीलियम के बारे में क्या कहेंगे, वो भी मॉलिक्यूल है, लेकिन द मॉलिक्यूल ऑफ हीलियम कंटेन ओनली वन एटम। मॉलिक्यूल ऑफ हीलियम कंटेन ओनली वन एटम। मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन कंटेन टू एटम्स। मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कंटेन थ्री एटम्स, लेकिन है सब मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में। हीलियम जो नोबल गैसेज हैं उनके लिए हम ये कह सकते हैं कि उनके एटम ही उनके मॉलिक्यूल्स हैं, राइट। मॉलिक्यूल्स आर परफेक्टली स्फियर, स्फेरिकल एंड रिजिड। सेकेंड पॉइंट क्या जरूरी है किसी भी गैस को लास्ट परफेक्ट होने के लिए, देखिए, जब गैस एग्जिस्ट कर रही है किसी कंटेनर के अंदर या आउट ऑफ कंटेनर, तब भी उस गैस के मॉलिक्यूल्स आपस में एक दूसरे से टकराते रहते हैं, क्योंकि तो चल रहे हैं, रुके हुए नहीं है, किसी भी गैस के मॉलिक्यूल रुके हुए नहीं। यहां इस टाइम हमारे इस हॉल में हवा रुकी हुई है, लेकिन फिर भी इस हवा के जो मॉलिक्यूल हैं वो चल रहे हैं लगातार, और जब चल रहे हैं तो टकरा भी रहे हैं। परफेक्ट गैस के लिए मॉलिक्यूल्स की जो टक्कर है आपस की, इट इज परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, ठीक है। देखिए, कोलिजन बिटवीन मॉलिक्यूल्स इज परफेक्टली इलास्टिक। अब थर्ड पॉइंट बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा। यहां हमारे पास सपोज 60 चेयर्स हैं, 60 चेयर्स हैं, ठीक है। आप में से कोई एक स्टूडेंट आता है, पहला स्टूडेंट यहाँ आया, तो उसके लिए कितनी सीट्स अवेलेबल है बैठने के लिए, 60 चॉइसेस हैं उसके पास। मींस द एंटायर हॉल इज अवेलेबल फॉर हिज मूवमेंट। वो एक जगह आकर बैठ गया, अब अगले वाले के लिए कितनी है, कम हो गया ना, 59। चार बच्चे आकर बैठ गए, तो पांचवे के लिए तो अब सीट्स कि चॉइस कम रह गई। समझ रहे हो बात को, ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है आइडियल गैस में और रियल गैस में। क्या आइडियल गैस के मॉलिक्यूल्स का साइज इतना छोटा है, इतना छोटा है कि खुद मॉलिक्यूल्स ने गैस का वॉल्यूम ऑक्यूपाई नहीं किया। फिर समझना ध्यान से, आइडियल गैस के मॉलिक्यूल्स का साइज इतना छोटा है कि उन मॉलिक्यूल्स को इकट्ठा अगर आप एक जगह कर दो तो वो जीरो स्पेस घेरेंगे। हालांकि पॉसिबल नहीं है जीरो स्पेस घेरना, लेकिन द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय गैस मॉलिक्यूल इज नेग्लिजिबली स्मॉल एज कंपेयर्ड टू द एंटायर वॉल्यूम ऑफ द गैस, ठीक है। समझिए इसे कैसे, आप आकर बैठ गए 60 में से एक चेयर पर, तो एक चेयर ऑक्यूपाई हो गई। अब आप नहीं आ रहे, अब यहां पढ़ने के लिए चींटियां आ रही हैं, फिजिक्स के लिए चींटियां आ रही हैं। एक चींटी आई, एक सीट पर यहां चढ़ के बैठ गई, अगली चींटी के लिए कितनी सीट अवेलेबल है, 60 की 60 अवेलेबल है फिर से। क्यों, क्योंकि उस चींटी ने जितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया अपने लिए, वो एंटायर वॉल्यूम के कंपैरिजन में जीरो है।
दूसरी चींटी आकर बैठ गई, उसी के साथ बैठ गई किसी और में। अब अगली चींटी की, तीसरी चींटी की, तीसरी सीट अवेलेबल है, फिर से सीट 60 सीट्स अवेलेबल है। तो ये एक बेसिक डिफरेंस है किसके लिए, आइडियल गैस और रियल गैस के लिए, कि आइडियल गैस के मॉलिक्यूल्स इतने छोटे हैं द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द मॉलिक्यूल इटसेल्फ, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड ऑल द बाय ऑल द मॉलिक्यूल्स, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय ऑल द मॉलिक्यूल्स इज जीरो, खत्म है बिल्कुल वो मॉलिक्यूल गैस वॉल्यूम एज कंपेयर टू द वॉल्यूम ऑफ एंटायर गैस, पूरी गैस के वॉल्यूम के कंपैरिजन में जो मॉलिक्यूल्स ने अपने बैठने के लिए, अपने रहने के लिए जगह ली है वो जीरो। लिखते हैं द साइज ऑफ मॉलिक्यूल इज एक्सट्रीमली स्मॉल, दैट इज द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय गैस मॉलिक्यूल्स इज जीरो एज कंपेयर्ड टू द वॉल्यूम ऑफ, एज कंपेयर टू द एंटायर वॉल्यूम ऑफ गैस। इस कंसेप्शन से इफेक्ट क्या पड़ा, 50 सीट्स हैं, 60 सीट्स हैं, 55 आप आके यहां बैठ गए, सब बैठ चुके, लेकिन मुझे एक आध को इधर उधर करना है तो मेरे पास कितनी चॉइस रह गई, पांच ही तो रह गई बस, है ना, पांच ही को तो, पांच ही तो जगह मूवमेंट के लिए जगह तो खत्म हो गई। क्यों? क्योंकि एक बड़ा स्पेस, एक लार्ज नंबर ऑफ चेयर्स आपने ऑक्यूपाई कर लिया, लेकिन 60 चींटियां आके बैठ गई यहां पर। अब मुझे उस चींटी को इधर से उधर हटाना, वो बात कर रही थी बरार वाली से, मैंने की चेयर उधर बैठ, तो अब कितनी चेयर अवेलेबल है मेरे पास, फिर से मेरे पास 60 सीट्स अवेलेबल है। इसका मीनिंग यह हुआ कि आइडियल गैस मॉलिक्यूल के लिए, हर मॉलिक्यूल के लिए, हर एक मॉलिक्यूल के लिए मूवमेंट करने के लिए कितना वॉल्यूम अवेलेबल है, आइडियल गैस के हर मॉलिक्यूल को मूवमेंट करने के लिए कितना वॉल्यूम अवेलेबल है, एंटायर वॉल्यूम ऑफ द गैस, गैस का पूरा वॉल्यूम हर मॉलिक्यूल के लिए अवेलेबल है मूव करने के लिए। जबकि जो रियल गैस है उस रियल गैस के मॉलिक्यूल्स का साइज जीरो नहीं होता, वो थोड़ा सा स्पेस घेर लेते हैं खुद अपने एग्जिस्टेंस के लिए, तो उन्हीं में से हर एक मॉलिक्यूल के लिए घूमने फिरने के लिए अवेलेबल वॉल्यूम कम हो जाता है। कितना कम हो जाता है, टोटल वॉल्यूम में से उतना कम करना पड़ेगा हमें जितना वॉल्यूम खुद मॉलिक्यूल्स ने ऑक्यूपाई कर लिया, दैट्स व्हाई दे डिफर फ्रॉम आइडियल गैस। क्लियर हो इतनी बात? ओके, इट मींस द एंटायर वॉल्यूम ऑफ गैस इज अवेलेबल फॉर द मोशन ऑफ ईच मॉलिक्यूल। अगला कंसेप्ट क्या आइडियल गैस के लिए, कि जो मॉलिक्यूल है गैस के वो अपनी जगह फिक्स नहीं है, गैस के मॉलिक्यूल्स अपनी जगह फिक्स नहीं है बल्कि कंटिन्यूअसली मोशन में है, और मोशन इनका रैंडम मोशन है, रेगुलर मोशन नहीं है। एक ही टाइम पर अगर 1000 मॉलिक्यूल है तो 1000 के 1000 मॉलिक्यूल्स का मोशन डिफरेंट होगा। मोशन कंटेन्स टू फैक्टर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ देयर मोशन एंड द डायरेक्शन ऑफ देयर मोशन। ना तो इनके मैग्नीट्यूड सेम होते हैं, कोई धीरे धीरे चल रहा है, कोई बड़ी तेज चल रहा है, ना इनकी डायरेक्शन सेम होती, कोई इधर चल रहा है कोई उधर चल रहा है, लेकिन है कंटिन्यूअस मोशन में, कंटिन्यूअस मोशन है। कोई भी मॉलिक्यूल गैस का, इस टाइम जैसे हवा यहां रुकी हुई है तब भी गैस के मॉलिक्यूल चल रहे हैं, यहां रुके हुए नहीं है, बहुत फास्ट चल रहे हैं, अभी हम कैलकुलेट करेंगे, बहुत तेज स्पीड होती है इनकी, रुके हुए नहीं है। हालांकि पूरा का पूरा मास ऑफ द गैस मे बी एट रेस्ट, अगर इस पूरी हॉल का हम पूरे गैस का मास हम ले लें तो ये पूरा का पूरा गैस, पूरा का पूरा एयर निकल के हॉल से बाहर नहीं जा रही या हॉल में इधर उधर नहीं चल रही, तो पूरी पूरा गैस का एंटायर मास अपने आप में रुका हुआ हो सकता है, जैसे कि इस टाइम यहां हवा रुकी हुई है, लेकिन तब भी गैस मॉलिक्यूल्स रुके हुए नहीं होंगे कंटिन्यूअस रैंडम मोशन में। ठीक है, देखते हैं इस पॉइंट को।
मॉलिक्यूल्स आर इन कॉन्स्टेंट रैंडम मोशन, द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ मोशन कीप्स ऑन चेंजिंग कंटिन्यूसली। सारे मॉलिक्यूल गैस के कंटिन्यूसली मोशन में और रैंडम मोशन में, ठीक है। इनमें कभी कभार इंस्टेंट ऐसा भी बन जाता कि कोई मॉलिक्यूल पल भर के लिए रेस्ट पर आ जाता है। एक मॉलिक्यूल जा रहा था, ये सामने से कोई दूसरा टकरा गया, सेम मोमेंटम था दोनों का, इक्वल था, अपोजिट था, रुक गया है। लेकिन रुका तो पीछे से कोई और आके टकरा जाएगा, फिर इसे मोशन में ला देगा। एक गैस है कंटेनर के अंदर बंद है, उसमें जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं वो सब कंटिन्यूअस मोशन में है, लेकिन रैंडम मोशन है। जीरो से लेकर के एक सर्टेन मैक्सिमम वेलोसिटी के बीच कुछ भी वेलोसिटी हो सकती है मॉलिक्यूल्स की, ठीक है। वो मैक्सिमम वेलोसिटी किस पर डिपेंड करेगी? टेम्परेचर ऑफ गैस पर डिपेंड करेगी। लेकिन पूरे सारे मॉलिक्यूल्स की एवरेज वेलोसिटी सेम होगी, सारे मॉलिक्यूल्स की एवरेज वेलोसिटी सेम है, लेकिन वो जीरो नहीं है, जीरो से ऊपर है। भाई एक मॉलिक्यूल इधर जा रहा है, ये मॉलिक्यूल इधर जा रहा है, दूसरा इधर आ रहा है, इस तरह इधर आ रहा है। इन सब के मॉलिक्यूल्स के जब हम वेलोसिटीज को ऐड करें, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स से डिवाइड कर दें, तो जीरो तो आएगा नहीं। जीरो तो तभी आ सकता था जबकि सबकी वेलोसिटी जीरो होती है ना। तो एवरेज वेलोसिटी इनकी जीरो है, जीरो नहीं है, एवरेज वेलोसिटी जीरो नहीं है, सबकी वेलोसिटी सेम आएगी। एवरेज वेलोसिटी सबकी सेम है, जो डिपेंड करती है टेम्परेचर ऑफ गैस पर। लेकिन अगर पूरे गैस को अगर आप देखें किसी कंटेनर के अंदर बंद एक गैस को देखें, तो पूरे गैस की वेलोसिटी कितनी होगी उस टाइम? गैस एज ए पीस ऑफ मास, द होल गैस एज ए पीस ऑफ मास अगर किसी कंटेनर के अंदर है तो फिर उसकी वेलोसिटी कितनी होगी? जीरो होगी। लेकिन उसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं, जिन मॉलिक्यूल्स से वो गैस बनी हुई है, उनमें से किसी भी मॉलिक्यूल की एवरेज वेलोसिटी जीरो नहीं है, जीरो से ज्यादा ही है, ठीक है। लिखते हैं इस पॉइंट को, द मॉलिक्यूल्स मे हैव एनी वेलोसिटी फ्रॉम जीरो टू अ सर्टेन मैक्सिमम वेलोसिटी एट एन इंस्टेंट, बट द एवरेज वेलोसिटी ऑफ ईच मॉलिक्यूल इज सेम विच इज नॉट जीरो, विच इज नॉट जीरो, बट द वेलोसिटी ऑफ एंटायर गैस इन अ क्लोज्ड कंटेनर इज जीरो। गैस जब भी आप रखेंगे तो किसी ना किसी कंटेनर के अंदर आपको रखनी पड़ेगी। कोई सी भी गैस है, आपके घर की गैस है जिससे आपका स्टोव जलता है, तो एक कंटेनर के अंदर बंद है ना। कंटेनर के अंदर बंद नहीं करेंगे तो क्या होगा? एटमॉस्फेयर में मिल जाएगी कोई सी भी गैस हो। तो गैस जब भी हमें रखनी होगी, कंटेन करना है गैस को, तो कंटेनर के अंदर कंटेन करना। अब वो कंटेनर कुछ भी हो सकता है, ये सारी खिड़कियां दरवाजे हम बंद कर दें तो ये हॉल भी अपने आप में एक कंटेनर बन गया गैस के लिए। इस कंटेनर के अंदर गैस के मॉलिक्यूल आपस में तो टकरा ही रहे हैं, लेकिन वो कंटिन्यूअसली वॉल्स के साथ भी टकराते रहते हैं, ठीक है। कोई चलता हुआ मॉलिक्यूल दीवार के पास आया, टकरा गया, टकरा गया, उसकी स्पीड वेलोसिटी और डायरेक्शन बदल जाएगी, तो कहीं और डायरेक्शन में चले जाएगा, कोई और आगे टकरा जाएगा, ठीक है। लेकिन ये जितने भी टक्कर हैं, कोलिजन्स हैं, मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूल के साथ कोलिजन और मॉलिक्यूल का वॉल्स के साथ कोलिजन, ये सब परफेक्टली इलास्टिक है। जब परफेक्टली इलास्टिक है तो कोई चेंज होगा मोमेंटम में? देयर इज नो चेंज इन मोमेंटम। ना तो पूरी गैस के मोमेंटम में कोई चेंज होना है और ना उस कंटेनर के मोमेंटम में चेंज होना है जो कंटेनर के अंदर गैस भरी हुई है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट पॉइंट, द कोलिजन ऑफ मॉलिक्यूल्स विद ईच अदर एंड विद द वॉल्स ऑफ कंटेनर आर परफेक्टली इलास्टिक, हेंस देर इज नो चेंज इन द मोमेंटम ऑफ मॉलिक्यूल एंड द मोमेंटम ऑफ कंटेनर। अब मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड कर रहे हैं और वॉल्स के साथ भी कोलाइड कर रहे हैं,
ठीक है, लेकिन इनका जो टाइम ऑफ कांटेक्ट है, जितने टाइम के लिए ये एक दूसरे के कांटेक्ट में रहे, दिस टाइम ऑफ कांटेक्ट इज जीरो, नेग्लिजिबली स्मॉल। किसके कंपैरिजन में? एक ये मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल है, यहां किसी ने इसको टकराया, ऐसे चला, अगली बार यहां टकरा गया। एक मॉलिक्यूल की एक टक्कर से दूसरी टक्कर के बीच में जितना टाइम लगता है, एक जगह टकराया, ये मॉलिक्यूल है, किसी एक से टकराया, यहां टकराया और फिर यहां तक चला, एक टक्कर से अगली टक्कर के बीच में इसको जितना टाइम लगता है, उस टाइम के कंपैरिजन में दो मॉलिक्यूल्स का आपस का कांटेक्ट वाला टाइम कैसा है? जीरो है, नेग्लिजिबली स्मॉल है। ध्यान से समझिए बात को, दो टाइम है यहां, एक मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल है गैस के, ये मॉलिक्यूल गैस के, एक मॉलिक्यूल आपका ये वाला टकराया, टकराने के बाद में फिर ये यहां जाके टकराया, फिर ये यहां आकर टकराया, ये मॉलिक्यूल ए, ये मॉलिक्यूल बी, और ये मॉलिक्यूल आपका एम। तो एम मॉलिक्यूल को ए से और बी के बीच, इन दो टक्करों के बीच में जितना टाइम लगा, उस टाइम के कंपैरिजन में जीरो टाइम है। कौन सा वाला टाइम? जितने टाइम के लिए ए और एम आपस में कांटेक्ट में रहे, जितने टाइम के लिए एम और बी आपस में कांटेक्ट रहे, या जितने टाइम के लिए एम और सी आपस में कांटेक्ट में रहे, टकराते समय जो इनका टाइम ऑफ कांटेक्ट है, वो टाइम ऑफ कांटेक्ट जीरो है। किस टाइम के कंपैरिजन में? उस टाइम के कंपैरिजन में जो एक टक्कर से अगली टक्कर के बीच का टाइम है। हालांकि ये टाइम भी बहुत छोटा टाइम होता है, लेकिन इसके कंपैरिजन में वो टाइम, जितने टाइम तक ये एक दूसरे के कांटेक्ट में रहे, ये वाला टाइम कैसा है? जीरो है, नेग्लिजिबली स्मॉल है। लिखते हैं इसे। द कोलिजन बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स और विद द वॉल ऑफ कंटेनर इज इंस्टेंटेनियस, दैट इज द टाइम ऑफ कॉन्टैक्ट इज नेग्लिजिबली स्मॉल एज कंपेयर्ड टू द टाइम टेकन बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स। कभी आपने सुना है कि एयरप्लेन में किसी को, कुछ लोगों को नक्सीर छूट जाती, या बहुत ऊंचाई पर पहाड़ पर अगर चले जाए, बहुत ऊंचे पहाड़ पर, मसूरी नैनीताल वाले पहाड़ों पर नहीं, बर्फीले ऊंचे पहाड़ों पर, तो वह सांस लेने में थोड़ी मुश्किल होती है ना, क्योंकि वहां एयर का प्रेशर कम है। एयर का प्रेशर कम क्यों है? क्योंकि वहां नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम कम रह जाते हैं। जो हमारा एटमॉस्फियर है, एटमॉस्फियर एक्सटेंड अप टू 400 किलोमीटर अबव द अर्थ सरफेस, यहां हमारे सरफेस पर है, यहां से लेकर 400 किलोमीटर ऊंचाई तक एयर है, लेकिन सांस लेने लायक एयर केवल फ्यू किलोमीटर्स तक ही है। उसके ऊपर एयर इतनी हल्की हो जाती है, एयर के मॉलिक्यूल्स, एयर में ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स इतने कम रह जाएंगे कि हम नॉर्मल ब्रीदिंग नहीं कर पाएंगे, ऐसे लेना पड़ेगा सांस। भले ही हम बैठे हुए कुछ नहीं कर रहे, तब भी ऐसा लगेगा जैसे हांफ रहे हैं, हाई लेटीट्यूड पर, बहुत ऊंचाई पर जाने पर, ठीक है। लेकिन यहां हम अर्थ सरफेस के नियर, अगर अपने ग्राउंड फ्लोर पर है और ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर पर आ गए, तो क्या लगता है कि सांस लेने में मुश्किल हो रही है? कोई डिफरेंस नहीं, कोई डिफरेंस नहीं। 25वें फ्लोर पे पहुंच जाओ आप, तब भी कोई डिफरेंस नहीं लगाएगा, है ना। तो आइडियल गैस के लिए क्या कहा गया? आइडियल गैस के लिए कहा गया कि गैस मॉलिक्यूल्स का मास बहुत कम है और उनकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा है, इसलिए ग्रेविटी का इफेक्ट उन पर नहीं है। हालांकि ये बात पर रियल गैस के लिए एप्लीकेबल नहीं होगी, रियल गैस के लिए एप्लीकेबल नहीं होगी, रियल गैस के मॉलिक्यूल्स पर ग्रेविटी का इफेक्ट है,
तभी तो यहाँ नीचे एटमॉस्फेयर घना है अर्थ सरफेस के पास, और जैसे जैसे आप अर्थ सरफेस से ऊपर उठते चले जाएंगे 10-20 किलोमीटर ऊपर जाते इतना कम हो जाता है कि वहाँ सांस लेना भी मुश्किल है, प्रेशर बहुत कम हो जाता है। लेकिन आइडियल गैस के लिए हम क्या कहेंगे कि मॉलिक्यूल्स का मास क्योंकि बहुत कम है और वेलोसिटी बहुत ज़्यादा है, इसका मतलब उन मॉलिक्यूल्स पर ग्रेविटी का कोई भी इफेक्ट नहीं होता। और क्योंकि ग्रेविटी का इफेक्ट नहीं है इसलिए डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है, समझना इस बात को ध्यान से, डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है। मतलब मैंने अपने हाथ ऐसे घुमा, ऐसे मैंने गोल करके अपने हाथ पकड़ लिए, मैंने यहां पर एयर के मॉलिक्यूल्स को बंद कर लिया अपने मुट्ठी में, है ना। सपोज 1 लाख मॉलिक्यूल मेरे इसके अंदर आ गए, अब मैं छत पर चला जाऊं वहां जाकर ऐसे कर लूं तो भी मेरी मुट्ठी में अब भी उतने ही मॉलिक्यूल आएंगे। क्यों? क्योंकि यहां पर यूनिट वॉल्यूम जितने मॉलिक्यूल्स हैं उतने ही मॉलिक्यूल्स छत पर भी हैं पर यूनिट वॉल्यूम। गैस का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है, नॉन यूनिफॉर्म समझो। नॉन यूनिफॉर्म क्या है? नॉन यूनिफॉर्म क्या हो सकता है? तो आपको ज्यादा समझ आ जाएगा गैस का यूनिफॉर्म होना। ये पिस्टन और सिलेंडर अरेंजमेंट है, पिस्टन हम बनाते हैं ऐसे, ये पिस्टन हो गया और ये सिलेंडर पूरा। नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या हुआ कि जब गैस रखी हुई है तो इसके ऊपर ऊपर तो हल्के हल्के मॉलिक्यूल्स हो, कम मॉलिक्यूल्स हो, और इसकी तली में ज्यादा मॉलिक्यूल्स बैठे हुए हों, तली में मॉलिक्यूल्स पास पास हो और ऊपर मॉलिक्यूल्स हल्के हल्के हों, ये कहा जाएगा नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, मॉलिक्यूल्स का नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। ऐसा नहीं है आइडियल गैस के लिए, आइडियल गैस के लिए ऐसा नहीं होगा कि कंटेनर की तली में सिलेंडर सिलेंडर की तली में ज्यादा मॉलिक्यूल बैठे हुए हों और ऊपर कम मॉलिक्यूल हो। जो भी है यूनिफॉर्म डेंसिटी आएगी, सब जगह मॉलिक्यूल्स का डिस्ट्रीब्यूशन एक जैसा ही बना रहेगा। समझिए बात को, ये समझ आ गई है? ठीक है, लिखिए इसे। सिंस द मास ऑफ मॉलिक्यूल इज वेरी स्मॉल एंड द इंस्टेंटेनियस स्पीड इज वेरी लार्ज, देयरफॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूल्स इज नॉट अफेक्टेड बाय ग्रेविटी एंड हेंस द डेंसिटी ऑफ गैस इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट। गैस के मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं, रुके हुए नहीं कोई भी, और मोशन के दौरान ये बार बार आपस में एक दूसरे से टकरा रहे हैं और गैस जिस कंटेनर में उस कंटेनर की वॉल से भी टकरा रहे हैं। जब टक्कर लगती है, कोलिजन हुआ, तब मॉलिक्यूल्स के मोशन का मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों बदल जाते हैं, दोनों में से कोई एक बदल सकता है। हो सकता है डायरेक्शन ना बदले, ये मॉलिक्यूल चलता हुआ जा रहा था, पीछे से एक ने आके ठोक दिया, ऐसे और तेज चल गया, डायरेक्शन नहीं बदली, मैग्नीट्यूड बदल गया। मॉलिक्यूल चलता हुआ जा रहा था, दूसरा ने यहां से मारा, डायरेक्शन भी बदल गई, मैग्नीट्यूड भी बदल गया। तो ये डायरेक्शन और मोशन का डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड बदलता है कब? जब कोलिजन हो। लेकिन एक बार ये मॉलिक्यूल यहां टकराया और अगले कोलिजन यहां टकराने तक कैसा चलेगा? स्ट्रेट लाइन पाथ पर चलेगा। दो सक्सेसिव कोलिजन्स के बीच में मॉलिक्यूल्स का रास्ता स्ट्रेट लाइन, जिसमें ना वेलोसिटी में कोई चेंज होना है और ना मैग्नीट्यूड में, ना इसकी डायरेक्शन में। समझे बात? वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चेंज हो सकता है, हो जाता है कब? जब मॉलिक्यूल का कोलिजन हुआ किसी दूसरे मॉलिक्यूल के साथ में या फिर वॉल ऑफ कंटेनर के साथ में। लेकिन एक कोलिजन से दूसरे कोलिजन के बीच का मूवमेंट कैसा है? स्ट्रेट लाइन पाथ है, विदाउट एनी एक्सेलरेशन। वेलोसिटी जो भी कोलिजन के बाद जो भी वेलोसिटी थी उसी वेलोसिटी से आगे बढ़ता रहेगा अगले कोलिजन तक, सेम वेलोसिटी, सेम मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। ठीक है, लिखते हैं इसे। अच्छा, इस थोड़े से और बात समझ लेते हैं पहले। देखो, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं गैस के, तो किसी भी इंस्टेंट पर अगर आप देखें
इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन कुछ और है, इसकी वेलोसिटी कुछ और है, इसकी कुछ और है, इसकी कुछ और है, मैग्नीट्यूड भी डिफरेंट है सबके और डायरेक्शन भी डिफरेंट है, मैग्नीट्यूड्स भी डिफरेंट है और डायरेक्शंस भी डिफरेंट है, कोई इधर चल रहा है, कोई इधर चल रहा है, कोई इधर चल रहा है। किसी एक इंस्टेंट पर अगर आप देखेंगे तो सारे मॉलिक्यूल्स के मोशन में कोई भी यूनिफॉर्मिटी नहीं होगी, सबके अलग अलग मोशन है। मोशन का मतलब, मैंने मोशन जब आप कहते हैं तो वर्ड इस मोशन में इसकी डायरेक्शन भी आ जाती है और मैग्नीट्यूड भी आ जाता है। एक इंस्टेंट पर गैस के डिफरेंट मॉलिक्यूल्स का मोशन डिफरेंट है बिल्कुल, और किसी एक मॉलिक्यूल को अगर आप देखें ध्यान से, किसी एक ही मॉलिक्यूल पर नजर गड़ा के बैठ जाए तो यहां तक गया ये, फिर टकरा गया, फिर यहां गया, टकरा गया, कौन सा वाला मेरा मॉलिक्यूल, मेरा रेड वाला मॉलिक्यूल है, रेड वाला मॉलिक्यूल है, किससे टकराया, यहां किसी दूसरे, फिर यहां कहीं टकराया, फिर टकरा करके यहां आया तो यहां कहीं किसी दूसरे मॉलिक्यूल से टकरा गया, फिर टकरा करके यहां पहुंचा तो यहां किसी दूसरे मॉलिक्यूल से टकरा गया। मतलब क्या हुआ कि अगर एक ही टाइम पर आप देखते हैं, एक ही इंस्टेंट पर देखते हैं तो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स का मोशन डिफरेंट है, और अगर किसी एक ही मॉलिक्यूल को आप देखते रहें तो अलग अलग टाइम पर भी इस एक अकेले मॉलिक्यूल का मोशन भी डिफरेंट होगा। ये गैस इस टाइम यहां भरी हुई, अगर काश हम मॉलिक्यूल्स को देख पाते तो एक टाइम पर, मतलब मैंने सिंपली एक फोटो ले लिया, उसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल्स आ गए, कोई इधर जा रहा, कोई इधर जा रहा, कोई ऐसे जा रहा, कोई हल्के जा रहा, कोई तेज जा रहा है, एक ही इंस्टेंट पर डिफरेंट मॉलिक्यूल्स का मोशन डिफरेंट है, ठीक है। अब मैंने एक मॉलिक्यूल पर नजर बना ली, अब मैं उसकी वीडियो बना रहा हूं, यूं जा रहा है ऐसे 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 ऐसे, तो अलग अलग टाइम पर एक मॉलिक्यूल का मोशन भी डिफरेंट है। अभी यहां जा रहा था, इधर को जा रहा था, फिर इधर चलने लगा, फिर इधर चलने लगा, फिर ऐसे चलने लगा, तो अलग अलग टाइम पर किसी एक मॉलिक्यूल का मोशन आप देखेंगे तो वो भी बदलता रहता है। एक ही टाइम पर आप बहुत सारे मॉलिक्यूल्स का मोशन देखेंगे तो वो भी अलग अलग है सबका। क्लियर है बात? अब ये लिख लेते हैं इसे हम। बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स मॉलिक्यूल्स मूव ऑन अ स्ट्रेट लाइन पाथ। एट एनी इंस्टेंट द वेलोसिटी मोशन ऑफ डिफरेंट मॉलिक्यूल इज डिफरेंट एंड एट डिफरेंट इंस्टेंट्स द मोशन ऑफ सेम मॉलिक्यूल इज डिफरेंट। ये रेड वाला मॉलिक्यूल था, चला टकरा गया, किसी और डायरेक्शन में चला, फिर टकरा गया, फिर कहीं और चला, फिर टकरा गया, फिर टकरा गया, बार बार टकराता, एक सेकंड में हजारों लाखों टक्करें हो जाती हैं, एक ही मॉलिक्यूल पे हजारों लाखों कोलिजन हो जाते हैं एक सेकंड के अंदर ही। लेकिन एक कोलिजन से अगले कोलिजन के बीच का जो लेंथ ऑफ पाथ है, रास्ते की लंबाई है, ये सेम नहीं होती। ये तो भीड़ में से गुजर रहा है, कभी तो 4-5 कदम चल के कोई टकराएगा इससे, कभी 2 कदम चल के ही टकरा जाएगा, यहां से यहां तक ही ज्यादा डिस्टेंस था लेकिन अगली बार कम डिस्टेंस ही टकरा गया, ठीक है। साथ ही साथ ये भी ध्यान रखना कि एक कोलिजन से दूसरे कोलिजन के बीच, एक कोलिजन से दूसरे कोलिजन के बीच ये जो टाइम लगता है, ये टाइम भी डिफरेंट है, कभी जल्दी टकरा जाएगा, कभी देर में टकरा जाएगा, समझ रहे बात? दोनों चीजें डिफरेंस है। एक कोलिजन से दूसरे कोलिजन के बीच जो स्ट्रेट लाइन पाथ है, इस रास्ते की लंबाई भी अलग अलग होती है, कभी 10 कदम चलकर टकरा गया, कभी 2 कदम चलकर टकरा गया, कभी 4 कदम चल, प्लस वो जो टकराने के बीच का जो टाइम है वो भी डिफरेंट है, वो भी डिफरेंट है, कभी 1 सेकंड में टकरा गया, कभी 10 सेकंड तक भी कोई नहीं आया इसके सामने, हो सकता बड़ा तेज चल रहा हो या धीरे धीरे चल रहा हो लेकिन कोई सामने ही नहीं आया। तो दो कोलिजन्स के बीच में लगने वाला जो पाथ लेंथ ऑफ पाथ है वो भी डिफरेंट है, दो सक्सेसिव कोलिजन्स के बीच लगने वाला टाइम भी डिफरेंट है। लेकिन फिर भी अगर आप पूरे सारे मॉलिक्यूल्स के लिए इसका एवरेज निकाल कर लाओगे तो वो सेम आएगा।
टाइम भी और एवरेज डिस्टेंस भी, जिसे हम बोलेंगे मीन फ्री पाथ। क्या बोलेंगे? मीन फ्री पाथ। और जो टाइम लगता है इनके बीच का, उस टाइम को हम बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। टक्कर लगी, अब अगली टक्कर तक रिलैक्स है। हाँ कोई नहीं कोई नहीं, कोई नहीं। ओ, फिर लगी टक्कर। रिलैक्सेशन टाइम कौन सा है? दो टक्करों के बीच का जो टाइम है। तो रिलैक्सेशन टाइम डिफरेंट है, एक ही मॉलिक्यूल के लिए बार बार अलग अलग टक्करों के बीच के लिए डिफरेंट है, लेकिन सारे मॉलिक्यूल्स का अगर आप एवरेज निकाल कर लाओगे तो सेम आएगा सारे मॉलिक्यूल्स के लिए। मीन फ्री पाथ यानी एक टक्कर से दूसरे टक्कर के बीच जो डिस्टेंस चल रहा है स्ट्रेट लाइन में, ये किसी एक मॉलिक्यूल के लिए भी डिफरेंट है, अलग अलग मॉलिक्यूल के लिए भी डिफरेंट है डिफरेंट इंस्टेंट पर, लेकिन जब आप इसका एवरेज निकाल कर लाओगे तो सब मॉलिक्यूल्स के लिए सेम निकल कर आएगा। ठीक है, लिखते हैं लास्ट पॉइंट है ये। द डिस्टेंस कवर्ड बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स, और ब्रैकेट में लिख लीजिए मीन फ्री पाथ एंड द टाइम टेकन बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स, यहां ब्रैकेट में लिखिए रिलैक्सेशन टाइम इज डिफरेंट फॉर सेम मॉलिक्यूल और फॉर डिफरेंट मॉलिक्यूल्स स्टिल फॉर ऑल द मॉलिक्यूल्स इज सेम। एवरेज फॉर ऑल द मॉलिक्यूल्स इज सेम इन गिविन कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर।